नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुजन खबर भारत को सब्सक्राइब करें एवं उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। सरकार बनी रहने के बाद भी वो लोग जानते हैं, आज गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले टोले टोले जाते हैं और अपने साथ में और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोग भी यदि यदि यहाँ से जाने के बाद आप लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी के और लोगों को जोड़ने का काम किया, ये बात बताने का काम किया कि आज यदि हम लोग यहाँ पर 100-150-200 की तादाद में है और यदि अगला बार कोई कार्यक्रम होगा तो लगभग 1000 की तादाद में आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, वोटों की ताकत से ये सरकार बनती है। वोट किसके पास है? वोट आपके और हमारे पास है। हम पंच चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, जनपद सदस्य चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, पर इस देश के अंदर जो सरकार जो बनती है वो विधायकों से बनती है और विधायकों को चुनने का काम हम आम जनता लोग करते हैं। लेकिन जिन विधायकों को आज हमने चुनकर भेजा है वो विधायक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दलाली में लगे हुए हैं। हमारी आवाज उठाने के लिए उनके पास मुंह में पट्टी बनी हुई है। विधानसभा में एक भी प्रश्न कोई विधायक या सांसद नहीं उठाता, जिसके कारण यह मजलूम सलाम आज भी गुलाम जैसे नजर आता है। सम्मानित साथियों, यदि आपके वोटों से जब हम उनको सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते हैं, तो आपके वोटों से हम बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको भी तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो रुकेगा। यदि हमारे इधर का बेटा जो घुमा हुआ है उसके लिए प्रशासन मूकदर्शक बनी हुई है, जबकि किसी अन्य जाति के बच्चे का यदि घुमा होता या किसी सत्ताधारी पार्टी का बालक गुमशुदा होता तो पता नहीं वो आज कहाँ से पता लगाकर उसको ले आते। लेकिन आपकी बात नहीं सुनने के पीछे मेन कारण यही है कि आज हमारे हाथ में शासन और सत्ता नहीं है। शासन और सत्ता पाने के लिए आप सब आप सभी लोगों का सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आने वाले समय में नगर निगम, नगर पंचायत जो भी चुनाव होते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है और सिर्फ हाथी के सामने की बटन को दबाना है, तब जाके हमारी बात जब हमने दल के सांसद होंगे, यहाँ के नगर अध्यक्ष होंगे, हम जनपद सदस्य होंगे, तो तब जाके प्रशासन हमारी बात नहीं लेगा। इसलिए आप लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है, आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत करें। शासन और सत्ता बनाने के लिए आप बहन जी को पूरी ताकत के साथ में हाथी का बटन दबा के सरकार बनवाएं, क्योंकि यदि आज हमारे पास सरकार होती तो यहाँ पे एसपी और कलेक्टर और एसडीएम हमारे लिए आगे खड़े पहले से हो जाते हैं। किस समस्या के कारण आप लोगों ने जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी सरकार नहीं होने के कारण आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए भी यहाँ से चल के हम आज एसडीएम या कलेक्टर के ऑफिस तक जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप कंधा से कंधा मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करें और आने वाले समय में और भी बढ़ चढ़कर बड़े कार्यक्रम करेंगे। जितना कहती हूँ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर रहीवाल साहब, जिनके पश्चात हमारे बीच अभी पहुँचे रहीवाल समाज के जिले के मुखिया सम्मानी रूपलाल जी, चौधरी जी, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में, बहुजन समाज के पार्टी के कार्यक्रम में आप इस समाज को जो है दो शब्द संबोधित करने का कष्ट करें। सम्मानी रूपलाल चौधरी जी, परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, माननीय काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बहन कुमारी मायावती जी को चरणों में भी कोटि कोटि नमन, मंच में विराजमान हमारे लाल सिंह नंदोरी जी, गोमन जी, अहरवार जी और भी अतिथिगण मंच में विराजमान हैं, राम मोहन ढेरिया जी,
माताएं बहनें सभी को जय जी। हमारी समाज में बहुत अत्याचार हो रहा है, अपन को सबको एकजुट होकर काम करना है। समाज के तौर में, अपने पार्टी के तौर में, ये आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। काशीराम जी ने जगाया है हमको, इसके कंधे से कंधे मिला के चलना है। हमारी समाज में बहुत अत्याचार हो रहा है, जैसे कि देवलारी पास गोतिया है, वहाँ पर शकुन बाई नाम की अपनी समाज की रहती थी, वो वहाँ पर दूसरे समाज के लोग पानी ओलकर कुएं से देते थे जब वो अपना उपयोग करती थी पानी का। एक बार 15 अगस्त के दिन की बात है, वो पानी सुबह 7 बजे लेने गई, आसपास के लोगों की चिल्लाते रहे कि भाई पानी भर दो, मेरे को बेटे को स्कूल भेजाना है, पानी ओल कर दे दो, भर कर दे दो, तो मैं अपने बेटों को नहला धोलाकर 15 अगस्त के दिन भेजाना है। बहुत गड़गड़ाती रही, मगर वहाँ के आसपास के लोगों, दूसरे समाज के जो लोग जो पानी भर के देते थे, किसी ने नहीं सुना। काफ़ी देर 1 घंटे तक परेशान होते रहे। फिर वो महिला अपने घर गई, बाल्टी रस्सी लेकर आई और अपने हाथों से कुएं से पानी निकाले। आसपास के जो दूसरे जो समाज के लोग थे, तो वहाँ पर हड़कंप मचा दिए कि ये चमार जाति की महिला हमारे कुएं से पानी क्यों निकाली है। उसके ऊपर विरोध करने लगे, उसको समाज में वहाँ पर बिल्कुल ऐसा दंडित कर दिए दूसरे लोगों ने कि किराना नहीं दो उसको, समाज समाज में इनका कोई ऐसा व्यवहार ना करें, उसको गाँव से निकालें, उसने प्रताड़ित कर दिए। प्रताड़ित करने के बाद वो मजबूरन देवलारी थाने में आई। देवलारी थाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बताई पूरी किस्सा, तो वहाँ थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। फिर हम लोगों को ऐसे समाज के द्वारा मालूम पड़ा कि वहाँ पर केवलारी में वो महिला को अत्याचार कर रहा है और ऐसा ऐसा रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। हम लोग पूरा समाज के लोग गाड़ी में बनाकर उसका पता लगाए कहाँ पर है शकुन बाई करके, तो गाड़ी वाले मिली, तो उसके विस्तार से पूछा गया ऐसा ऐसा है करके।